लेसन 13 क्रिएटिंग मास्टर्स। इस चैप्टर में हम सेल परचेज टाइप, बिल सन्ड्री एंड टैक्स कैटेगरी मास्टर क्रिएट करने के बारे में जानेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर चैप्टर 12 में हमने अकाउंट और आइटम मास्टर क्रिएट करने के बारे में जाना था। हालांकि उस चैप्टर में हमने बताया था कि अकाउंट और आइटम मास्टर्स आपके तकरीबन सभी ट्रांजेक्शन्स में यूज होंगे। इस चैप्टर में जो हम मास्टर्स डिस्कस कर रहे हैं ये टैक्सेशन से जुड़े मास्टर्स हैं एंड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर्स हैं, बहुत ही ध्यान से क्रिएट करने वाले हैं। बाय डिफॉल्ट वैसे जब आप बिजी कंपनी क्रिएट करते हैं बिजी में तो ये सारे मास्टर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। बहुत कम ही नीड आपको अराइज होती है इसको क्रिएट करने की या मॉडिफाई करने की, लेकिन स्टिल यदि कोई नीड अराइज होती है, आपको इनमें से कोई भी मास्टर क्रिएट करना है, उसके लिए आप इस चैप्टर को रेफर कर सकते हैं और स्टेप्स देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मास्टर्स क्रिएट करे जाते हैं। बिल सन्ड्री मास्टर हालांकि आपका टैक्सेशन के अलावा और भी चीजों से जुड़ा है, जैसे कि आप डिस्काउंट के लिए उसे यूज कर सकते हैं, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेल परचेज टाइप और टैक्स कैटेगरी टोटली टैक्सेशन रिलेटेड ही मास्टर्स है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम सेल परचेज टाइप मास्टर क्रिएट करने के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर सेल टाइप मास्टर में जाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट कि सेल टाइप मास्टर है क्या। बेसिकली सेल टाइप मास्टर सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है कि किस तरह की ट्रांजेक्शन आप एंटर करेंगे, यानी कि उसमें लोकल टैक्स रेट्स आप अप्लाई करेंगे, सेंट्रल टैक्स रेट्स अप्लाई करेंगे, एक्सपोर्ट का वाउचर है, स्टॉक ट्रांसफर का वाउचर है, या फिर जिस वाउचर में आप इस सेल टाइप मास्टर को यूज कर रहे हैं वह सिंगल टैक्स रेट का होगा या मल्टीपल टैक्स रेट का। तो अकॉर्डिंगली ये सारी डिटेल्स जो है सेल टाइप मास्टर में स्पेसिफाइड होती है एंड जब आप वाउचर में ये सेल टाइप स्पेसिफाई करते हैं तो अकॉर्डिंगली बिजी जो है आपको वार्निंग्स या मैसेजेस शो करता है बेस्ड ऑन सेल टाइप, यानी कि जो आपने सेल टाइप यूज करी है उसमें आपने बता रखा है कि दिस इज फॉर लोकल ट्रांजेक्शन एंड आप वाउचर सेंट्रल का एंटर कर रहे हैं तो एक वार्निंग आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो इस तरीके की टैक्सेशन से जुड़ी सारी डिटेल्स जो है हम सेल टाइप परचेज टाइप मास्टर में स्पेसिफाई करते हैं एंड फर्दर उन्हें ट्रांजेक्शंस में यूज करते हैं। सेल टाइप मास्टर क्रिएट करने के लिए हम सेल टाइप ऐड ऑप्शन में गए तो देखिए स्क्रीन पर ऐड सेल टाइप मास्टर आपको नजर आ रहा है, जिसमें सबसे पहले कि आप सेल टाइप का नेम बताएंगे। उसके बाद है सेल्स अकाउंट इन्फॉर्मेशन ग्रुप, जिसमें कि आप बता सकते हैं कि जब भी ये सेल टाइप यूज होनी है तो कौन सा सेल्स अकाउंट जो है अफेक्ट होगा। तो आप चाहें तो स्पेसिफाई हेयर सिंगल अकाउंट ऑप्शन ले सकते हैं, इसका मतलब कि आप यहीं पे सेल्स अकाउंट बताना चाहते हैं। स्पेसिफाई हेयर सेपरेट अकाउंट्स फॉर डिफरेंट टैक्स रेट्स, की अलग अलग टैक्स रेट के हिसाब से आप अलग अलग सेल्स अकाउंट बताना चाहते हैं, इसको आप फर्दर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर बटन क्लिक करने पर देखिए यहाँ पे आप बता सकते हैं टाइप हमने लिया गुड्स, उसके बाद CGST 14%, SGST 14%, टाइप टैक्सेबल एंड सेल्स अकाउंट कौन सा अफेक्ट होगा, सेल्स एट 28%। सिमिलरली टैक्स टाइप गुड्स CGST 9%, SGST 9%, टाइप टैक्सेबल एंड इसमें जो सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा सेल्स एट 18%। इसके अलावा आप डिफॉल्ट सेल्स अकाउंट भी बता सकते हैं कि यदि इन रेट्स के अलावा कोई और टैक्स रेट यूज करते हैं तो कौन सा सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा, वो हमने सेल्स ले लिया। यानी कि आप टैक्स रेट वाइज यदि 28% की सेल है तो वो सेल्स एट 28% अकाउंट में चली जाए, 18% की सेल्स है तो वो सेल्स एट 18% अकाउंट में चली जाए, इस तरीके से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेसिफाई इन वाउचर, आप चाहें तो वाउचर टू वाउचर भी सेल्स अकाउंट बता सकते हैं। यदि आप ये ऑप्शन लेते हैं तो सेल्स वाउचर में एक सेल्स अकाउंट बताने की ऑप्शन अवेलेबल होगी, जिसमें कि आप बता सकते हैं ये जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आप एंटर कर रहे हैं इसमें कौन सा सेल्स अकाउंट अफेक्ट होना है। अभी हम यहाँ पे स्पेसिफाई हेयर सिंगल अकाउंट का ऑप्शन ही सिलेक्ट करें और हमने सेल्स अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप है टैक्सेशन टाइप, इसमें काफी सारी ऑप्शंस हैं। सबसे पहली ऑप्शन है जिसमें कि टैक्सेबल वाउचर वाइज, कि आप वाउचर वाइज यानी कि बॉटम में बिल सन्ड्री जो है आप लगाएंगे जिससे कि आप टैक्स बता सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आप देखिए एक टैक्स कैलकुलेशन ग्रुप जो है एक्टिवेट हुआ है, जिसमें कि दो ऑप्शन है सिंगल टैक्स रेट एंड मल्टी टैक्स रेट। सिंगल टैक्स रेट यानी कि इस सेल टाइप को जब आप यूज कर रहे हैं तो पूरे ट्रांजेक्शंस में जितनी भी आइटम्स यूज हो रही हैं वो सिंगल रेट पे टैक्सेबल है, यानी कि एक ही टैक्स रेट आपको वाउचर में यूज करना है। दूसरी ऑप्शन है मल्टी टैक्स रेट, यानी कि ये सेल टाइप जब यूज हो रही है तो मल्टीपल टैक्स रेट्स जो है वाउचर में अप्लाई होने हैं। मल्टी टैक्स रेट के केस में क्या होगा, आपके सपोज दो आइटम्स हैं, एक 18% पे टैक्सेबल है और एक 28% पे। आप बिल सन्ड्री में 18% की बिल सन्ड्री अप्लाई करेंगे, 28% की बिल सन्ड्री अप्लाई करेंगे एंड बिजी ऑटोमेटिकली आइटम मास्टर में जो टैक्स कैटेगरी टैक्ट है उससे चेक करेगा कि किस आइटम पे 18% चार्ज करना है एंड किस आइटम पे 28% चार्ज करना है। वापस टैक्सेशन टाइप ग्रुप में आते हैं, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्सेबल आइटम वाइज,
यानी कि आइटम टू आइटम आप बताना चाहते हैं कि क्या टैक्स रेट आपने चार्ज करना है। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर हर आइटम के अमाउंट फील्ड पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे, आप ट्रांजैक्शंस में आगे देखेंगे कि हर एक आइटम के एंड पे एक आइटम वाइज जीएसटी विंडो अपीयर होगी, जिसमें कि आप जीएसटी का रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। बेसिकली हर आइटम के लिए सेपरेट रेट आप बता सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर देखिए बॉटम में बहुत सारी ऑप्शंस एक्टिवेट हुई है अदर इन्फॉर्मेशन ग्रुप में, जिसमें सबसे पहले है कैलकुलेट टैक्स ऑन आइटम एमआरपी। आइटम एमआरपी पे आप टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। टैक्स इंक्लूसिव आइटम प्राइस की टैक्स जो है इंक्लूडेड है आइटम के प्राइस में, तो आपने प्राइस या अमाउंट स्पेसिफाई किया है आइटम का, उसके अंदर टैक्स का अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसके ऊपर टैक्स नहीं चार्ज करना। लेट अस से आपने यदि 1100 रुपीज स्पेसिफाई किया है किसी आइटम का अमाउंट, तो वो 1100 में अप्रोक्सीमेट 900 समथिंग जो है आइटम का बेस प्राइस है, प्लस उसमें 110 या अप्रोक्सीमेटली ऐसा कोई अमाउंट जो है टैक्स का अमाउंट है। हाइड आइटम्स टैक्स रेट विंडो यस कर सकते हैं। इससे यह होगा कि टैक्स इंक्लूसिव के केस में यदि आप हर आइटम के एंड पे विंडो अपीयर नहीं होगी आइटम वाइज जीएसटी की, बिजी ऑटोमेटिकली आइटम मास्टर से पिक करेगा कि इस पर्टिकुलर अमाउंट में कितना परसेंट टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जम्प्ट की। यदि आप एग्जम्प्ट के लिए सेल टाइप बनाना चाहते हैं नॉन जीएसटी आइटम्स के लिए, रिवर्स चार्ज के लिए यदि आप ये सेल टाइप क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर जीरो रेटेड आइटम्स के लिए, तो अकॉर्डिंगली आप ये ऑप्शंस जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है सेल्स थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल। इस ऑप्शन को आप यस कर सकते हैं यदि ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू आपकी सेल्स हो रही है एंड ई कॉमर्स पोर्टल नेम बता सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन है स्किप इन जीएसटी रिपोर्ट्स। यदि आप चाहते हैं कि ये सेल टाइप जिन भी ट्रांजैक्शंस में यूज हो रही है वो ट्रांजैक्शंस जीएसटी रिपोर्ट्स में रिफ्लेक्ट ना हो, यहाँ पे आप यस स्पेसिफाई कर सकते हैं। रीजन ग्रुप है इसके बाद, जिसमें कि लोकल के केस में आप स्टॉक ट्रांसफर या अदर ले सकते हैं, इंटरस्टेट के केस में स्टॉक ट्रांसफर, एक्सपोर्ट नॉर्मल, एसईजी यूनिट, अदर या डीम्ड एक्सपोर्ट, ये सारी ऑप्शंस जो है प्रोवाइड करी गई हैं। इसके बाद फॉर प्रिंटिंग इन डॉक्यूमेंट्स, इसमें आप इनवॉइस हेडिंग और इनवॉइस डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं कि जो भी इनवॉइस हेडिंग और डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे बताएंगे वो इनवॉइस पे प्रिंट होगी। और उसके बाद सेव बटन प्रेस करेंगे सेल टाइप मास्टर को क्रिएट करने के लिए। ये तो हुई सेल टाइप क्रिएट करने की बात। यदि हम सेल टाइप मॉडिफाई ऑप्शन में जाते हैं तो देखिए लिस्ट ऑफ सेल टाइप्स आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि ये सारी सेल टाइप्स जो है कंपनी क्रिएशन के टाइम पे बिजी ने क्रिएट करी थी। सबसे पहले हमने आईजीएसटी 28% को मॉडिफाई मोड में ओपन किया, तो देखिए यहाँ पे रीजन इंटरस्टेट है, आईजीएसटी रेट 28% स्पेसिफाइड है एंड टैक्सेबल वाउचर वाइज जो है ये सेल टाइप है। इसके बाद नेक्स्ट हम आईजीएसटी आइटम वाइज सेल टाइप को मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखते हैं, तो देखिए ये भी इंटरस्टेट है जिसमें कि टैक्सेबल आइटम वाइज हमने लिया है। यहाँ पे आईजीएसटी रेट हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे क्योंकि अलग अलग रेट्स जो है हम आइटम वाइज वाउचर में बताएंगे। नेक्स्ट हमने आईजीएसटी मल्टी रेट सेल टाइप को मॉडिफाई मोड में ओपन किया, तो देखिए यहाँ पे हमने टैक्सेबल वाउचर वाइज लिया हुआ है और मल्टी टैक्स रेट ऑप्शन स्पेसिफाई किया है। ये भी अगेन मल्टी टैक्स का केस है जिसमें कि हम अलग अलग टैक्स रेट वाइज बिल सन्ड्री बताएंगे और बिजी ऑटोमेटिकली पिक करेगा कि किस आइटम पे कितना टैक्स रेट चार्ज करना है। LGST 18% सेल टाइप को यदि हमने मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीजन जो है हमने लोकल सिलेक्ट किया है, टैक्सेबल वाउचर वाइज का केस है एंड दिस इज सिंगल टैक्स रेट जिसमें कि CGST 9% एंड SGST 9% है। तो ये हुआ हमारा सेल टाइप मास्टर। इसके बाद नेक्स्ट हम परचेस टाइप मास्टर की बात करते हैं। जिस तरीके से सेल टाइप हम सेल्स ट्रांजेक्शन्स में यूज कर रहे हैं, परचेस टाइप हम परचेस ट्रांजेक्शन्स में यूज करेंगे। बिल्कुल सेम है सेल टाइप मास्टर और परचेस टाइप मास्टर। एक परचेस टाइप मास्टर हम यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। इसके लिए परचेस टाइप ऐड ऑप्शन में गए, सिमिलर ऑप्शंस आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं जो हमने सेल टाइप मास्टर में डिस्कस करी हैं। आप देख सकते हैं सेम टू सेम वही ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे स्पेसिफाइड हैं। टैक्सेशन टाइप ग्रुप में कंपोजिशन डीलर की ऑप्शन भी अवेलेबल है और अनरजिस्टर्ड आरसीएम की भी, रिवर्स चार्ज की हालांकि सेल टाइप मास्टर में भी अवेलेबल थी ऑप्शन। तो ये है आपका परचेस टाइप मास्टर के, जिसके बेसिस पे यह पता चलेगा कि किस तरीके की परचेस ट्रांजेक्शन जो है आप एंटर कर रहे हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे इस परचेस टाइप मास्टर को सेव करने के लिए। परचेस टाइप के मॉडिफाई ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ परचेस टाइप्स भी आपको नजर आ रही है। ये सारी परचेस टाइप्स भी कंपनी क्रिएशन के टाइम पे बिजी ने क्रिएट करी थी। नेक्स्ट हम बिल सन्ड्री मास्टर डिस्कस करेंगे। बिल सन्ड्री वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो बिल के बॉटम में हम अप्लाई करते हैं, जो कि टैक्स से रिलेटेड हो सकती है, डिस्काउंट हो सकती है, फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग हो सकती है। बेसिकली कोई भी एडिशनल एक्सपेंस जो है वाउचर का वो आप बिल सन्ड्री में स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे बिल सन्ड्री एड ऑप्शन में हम गए, बिल सन्ड्री का नाम बताया,
alias, print name and then is bill sundry type ki this is additive in nature or subtractive yani ki iska amount jo hai bill ke amount mein add hona hai ya subtract hona hai like discount ke case mein subtract hoga taxation ke case mein ye additive hoga bill sundry in nature as hum ye IGST ke liye bill sundry create kar rahe hain to humne bill sundry IGST liya hai agar aap local ki transaction le rahe hote to CGST ya SGST aap select kar sakte hain discount aap select kar sakte hain ya fir other uske baad default value aap yahan pe default value specify kar sakte hain by default yahi value jo hai transaction mein pick hoke aa jayegi chahe wo amount mein ho ya percentage wise ho wo abhi hum batayenge subtotal heading affect the cost of good in sale purchase material issue material receipt and stock transfer individually har ek ke liye aap ye option enable ya disable kar sakte hain ki is bill sundry ka jo amount hoga wo cost of goods ko sale mein purchase mein material issue receipt ya stock transfer voucher mein affect karega ya nahi karega basically cost of goods mein add ya subtract hoga ya nahi hoga har ek voucher wise aap ye bata sakte hain uske baad hai accounting and sale ki accounting treatment kya hona hai sales ट्रांजेक्शन में अफेक्ट अकाउंटिंग अकाउंटिंग को अफेक्ट करेगी ये बिल सन्ड्री या नहीं करेगी इस बिल सन्ड्री का जो अमाउंट है वो सेल्स अमाउंट में एडजस्ट करना है या नहीं करना यदि आप नो स्पेसिफाई करते हैं तो आप अकाउंट बताएंगे किस अकाउंट में आपको जो है ये स्पेसिफाई करना है स्पेसिफाई अकाउंट हेयर या फिर स्पेसिफाई अकाउंट इन वाउचर हमने कहा स्पेसिफाई अकाउंट हेयर एंड अकाउंट हेड टू पोस्ट किस अकाउंट हेड में जो है इस बिल सन्ड्री का अमाउंट आपको पोस्ट करना है वह आप बता सकते हैं देन इज एडजस्ट इन पार्टी अमाउंट पार्टी के अमाउंट में इसको एडजस्ट करना है या नहीं करना अगर नहीं करना तो कौन से अकाउंट में देन आप अकाउंट हेड टू पोस्ट बता सकते हैं कि इस तरीके से आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं अकाउंटिंग पार्ट सेल्स वाउचर के लिए सिमिलरली फिर परचेज वाउचर्स के लिए उसके बाद है अमाउंट ऑफ बिल सन्ड्री टू बी फेड इज कि अमाउंट जो है बिल सन्ड्री का वो किस तरीके से एंटर करना है एब्सोल्यूट अमाउंट परसेंटेज या पर मेन क्वांटिटी यानी कि एक एब्सोल्यूट अमाउंट जैसे फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग के केस में आप बता सकते हैं 500 रुपीस हमें कन्वीनियंस चार्ज अप्लाई करने हैं पर मेन क्वांटिटी यानी कि एक बैग पे 10 रुपीस हमें एक्स्ट्रा चार्ज करना है इस तरीके से या फिर परसेंटेज वाइज की 10% 5% इस तरीके से हमें चार्ज करना है हमने परसेंटेज ऑप्शन सिलेक्ट करी है उसके बाद हमें ये बताना है कि बिल अमाउंट के कितने परसेंट पे जो है ये परसेंटेज कैलकुलेट करती है हमने कहा 100% की जितना हमारा बिल अमाउंट अभी हम डिस्कस करेंगे कि नेट बिल अमाउंट लेना है टैक्सेबल अमाउंट लेना है आइटम बेसिक अमाउंट लेना है टैक्सेबल अमाउंट लेना उसके 100% वैल्यू पे हमें जो है ये बिल सन्ड्री चार्ज करनी है और कितने परसेंट चार्ज करनी है वो भी हम बता सकते हैं सबसे पहला है नेट बिल अमाउंट कि नेट बिल अमाउंट पे आपको जो है बिल सन्ड्री का अमाउंट कैलकुलेट करना है इतना परसेंट जो भी परसेंटेज हम स्पेसिफाई करेंगे उसमें भी आप सिलेक्टिव बता सकते हैं कि कौन कौन से जो है अमाउंट आपको सिलेक्ट करने हैं जिनके टोटल पे ये आपको बिल सन्ड्री चार्ज करनी है देन इस आइटम्स बेसिक अमाउंट बिल्कुल बेसिक अमाउंट आइटम का उसमें कोई बिल सन्ड्री इंक्लूड नहीं करनी टोटल एमआरपी ऑफ आइटम्स आइटम के एमआरपी पे अप्लाई करना है आपको बिल सन्ड्री का अमाउंट चार्ज करना है उसके बाद कि वो टोटल एमआरपी में इंक्लूसिव होगा या फिर ओवर एंड अबव और फ्री क्वांटिटी इंक्लूड करनी है या नहीं करनी देन इज टैक्सेबल अमाउंट की टैक्सेबल अमाउंट पे आपको ये बिल सन्ड्री कैलकुलेट करनी है प्रीवियस बिल सन्ड्री अमाउंट की इससे पहले जो बिल सन्ड्रीज अप्लाई करी हैं आपने वाउचर में उन पे आपको इस बिल सन्ड्री का अमाउंट कैलकुलेट करना है उसमें आप अगेन बता सकते हैं नंबर ऑफ बिल सन्ड्रीज यदि आप नंबर ऑफ बिल सन्ड्री 1 बताते हैं यानी कि इससे प्रीवियस पोजीशन पे जो बिल सन्ड्री है उसका जो अमाउंट है उस पर ये बिल सन्ड्री जो है कैलकुलेट कर लो अगर आपने नंबर ऑफ बिल सन्ड्री 1 से ज्यादा बताया लेट अस से हमने यहाँ पे 2 बताया देन ऑप्शन आई कंसोलिडेट बिल सन्ड्रीज अमाउंट कि बिल सन्ड्रीज के अमाउंट को कंसोलिडेट करना है यस करेंगे इसका मतलब इससे प्रीवियस 2 पोजीशंस पे जो बिल सन्ड्री है मतलब इससे पहले वाली और उससे पहले वाली जो बिल सन्ड्री है दोनों के अमाउंट को टोटल किया और उस पर बिल सन्ड्री कैलकुलेट कर ली यदि आप कंसोलिडेट बिल सन्ड्रीज अमाउंट नो करते हैं तो 2 मीन्स कि इससे प्रीवियस सेकेंड पोजिशन पे जो बिल सन्ड्री है उस पर इस बिल सन्ड्री के अमाउंट को कैलकुलेट करना है यानी कि इससे पहले वाली नहीं उससे भी पहले वाली जो बिल सन्ड्री है उसका जो अमाउंट है उस पर कैलकुलेट करना है कंसोलिडेट 2 बिल सन्ड्रीज को नहीं करना नेक्स्ट है अदर बिल सन्ड्री किसी और बिल सन्ड्री पे आपको कैलकुलेट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं बिल सन्ड्री टू बी कैलकुलेटेड ऑन बिल सन्ड्री के अमाउंट पे बिल सन्ड्री अप्लाइड ऑन और यहाँ पे बिल सन्ड्री आप बताए राउंड ऑफ बिल सन्ड्री अमाउंट बिल सन्ड्री के अमाउंट को राउंड ऑफ करना है यदि आप यस करते हैं तो बताएंगे लोअर लिमिट पे अपर लिमिट पे या फिर ऑटोमेटिक एंड देन इज राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू तो नियरेस्ट टू 1 हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया 1 के नियरेस्ट पे जो है हमें राउंडिंग ऑफ करनी है ये है आपका बिल सन्ड्री मास्टर बिल सन्ड्री मॉडिफाई ऑप्शन में गए तो देखिये लिस्ट ऑफ बिल सन्ड्रीज यहाँ पे आपको नजर आ रही है CGST IGST फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग डिस्काउंट राउंडिंग ऑफ की बिल सन्ड्रीज ये सारी बिजी ने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे क्रिएट
करी हुई है। देखिए यहाँ पे हमने IGST को मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखा, उसके बाद हमने CGST बिल सन्ड्री को मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखा, इसके बाद डिस्काउंट की बिल सन्ड्री को आप मॉडिफाई मोड में ओपन करके देख सकते हैं। तो देखिए बिल सन्ड्री टाइप इसमें सब्ट्रैक्टिव आ रहा है कि ये जो है सब्ट्रैक्टिव है नेचर में। तो ऑलमोस्ट सभी तरीके की बिल सन्ड्रीज बिजी ने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे क्रिएट करी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टैक्स कैटेगरी मास्टर। टैक्स कैटेगरी भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर है। टैक्स कैटेगरी कंटेन करता है सारी टैक्स रिलेटेड डिटेल्स, लाइक ये टैक्स कैटेगरी जब यूज होगी तो सेंट्रल का कितना टैक्स रेट चार्ज होना है, लोकल कितना टैक्स रेट चार्ज होना है, टैक्स MRP है या नहीं है, गुड्स पे चार्ज है या सर्विसेज पे। और टैक्स कैटेगरी मास्टर जो आप क्रिएट करते हैं, आपको ध्यान हो हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था कि आइटम मास्टर में हम इस टैक्स कैटेगरी को टैग करते हैं, यानी कि आइटम में जो भी टैक्स कैटेगरी टैक्ड है उससे पता चल जाता है कि इस आइटम पे लोकल कितना टैक्स रेट चार्ज होगा और सेंट्रल कितना टैक्स रेट चार्ज होगा। टैक्स कैटेगरी क्रिएट करने के लिए टैक्स कैटेगरी ऐड ऑप्शन में गए, टैक्स कैटेगरी का नाम बताया, देन टाइप लिया गुड्स या सर्विसेज, हमने यहाँ गुड सेलेक्ट किया, टैक्स रेट IGST, टैक्स रेट CGST एंड टैक्स रेट SGST। IGST सेंट्रल के केस में कितना टैक्स रेट है, लोकल के केस में CGST और SGST क्या रेट है। टैक्स ऑन MRP यदि आप बताना चाहते हैं तो ये स्पेसिफाई कर सकते हैं। स्पेसिफाई सेस रेट, यदि सेस एडिशनल सेस कोई आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये स्पेसिफाई करके उसका भी रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन इज चेंज टैक्स रेट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। आपको ध्यान हो कुछ एक आइटम्स हैं जिन पे कि लेट अस से फॉर एग्जांपल ₹1000 से कम की अगर वो आइटम है, शूज का यदि हम एग्जांपल लें, 1000 से कम के शूज हैं तो 5% टैक्स रेट चार्ज होना है और 1000 से ज्यादा है तो 12% टैक्स रेट चार्ज होना है। इस तरीके के टैक्स रेट यदि आप डिफाइन करना चाहते हैं तो चेंज टैक्स रेट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस में यस करेंगे। हमने यहाँ पे MRP सिलेक्ट किया और फिर बताया कि MRP यदि लेस देन या इक्वल टू 1000 है तो टैक्स रेट IGST में 20% होगा, CGST और SGST 10% ईच होगा। अगर 1000 से ऊपर हो जाता है तो अबव जो हमने रेट स्पेसिफाई करे हुए हैं, यानी कि IGST 40% और CGST SGST 20% ईच जो है इस पे अप्लाई होगा। तो इस ऑप्शन का यही मतलब है जो हमने स्पेसिफाई किया है, 1000 से ग्रेटर पर IGST 40% एंड CGST SGST 20% ईच, एंड 1000 से लेस पे IGST 20% एंड CGST SGST 10% ईच पे अप्लाई होगा। इसके बाद बॉटम में आप विद इफेक्ट फ्रॉम भी बता सकते हैं, यानी कि कोई भी टैक्स रेट में यदि चेंज होता है तो डेट वाइज वो आप टैक्स रेट स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट अस से 1 सितंबर से या 1 अक्टूबर से कोई पर्टिकुलर टैक्स रेट में चेंज हुआ है तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, विद इफेक्ट फ्रॉम डेट बताएंगे, IGST CGST SGST का देन रेट आप उसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा टैक्स कैटेगरी मास्टर। टैक्स कैटेगरी को यदि आप मॉडिफाई मोड में देखते हैं तो देखिए काफी सारे जो है टैक्स कैटेगरीज बिजी ने क्रिएट करी है। जो आप टैक्स कैटेगरी 12% को मॉडिफाई मोड में ओपन करके देख सकते हैं, टैक्स कैटेगरी 28% को मॉडिफाई मोड में ओपन करके देख सकते हैं। सर्विसेज आइटम के लिए टैक्स कैटेगरी बिजी ने क्रिएट करी हुई है सर्विस 18% के नाम से। तो इस तरीके से ये सारी ही टैक्स कैटेगरीज कंपनी क्रिएशन के टाइम पे बिजी क्रिएट करता है। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली बिजी में सेल परचेज टाइप मास्टर्स, बिल सन्ड्री मास्टर्स और टैक्स कैटेगरी मास्टर्स क्रिएट कर पाएंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्सरसाइज को और अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।